गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तेजपुर। कल रात को फिर से हम लोग अराउंड 10 बजे यहाँ पे पहुँचे थे और बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था कि हम लोग का रेन लाइनर के अंदर से ही पानी घुस के जूता वूता सब भीग गया था। पूरा रात तो वो सब सुखाने में लग गया। हम लोग यहाँ पे ये हज़ारी का लॉज बोल के एक छोटा सा लॉजिंग एंड फूडिंग का जगह था, वहाँ पर रुके हुए थे रात को। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 12:15 बजे, तो अभी यहाँ से निकल रहे सब कोई, जाएंगे दिरांग। अराउंड 190 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आज एक बात अच्छा है कि धूप तो निकला है सुबह, अगर धूप रहता है तो अच्छा है। तो अभी स्टार्ट कर दिए हैं दिरांग के लिए। यहाँ से पहले जाएंगे शायद पेट्रोल पंप, पेट्रोल भराना है। सुबह उठ के अभी भी उतना कुछ ब्रेकफास्ट अच्छा मिला नहीं है, मैगी खाए हैं और ऑमलेट। राइड में तो उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि सब कुछ तरीके से हो, यू हैव टू एडजस्ट, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। तो जैसे जहाँ पे जैसे भी मिलेगा उसी में कट गुजर के जी लेंगे और क्या। बस वेदर थोड़ा ठीक रहे, बारिश ना हो, यही बारिश होने से ही पूरा मूड ख़राब हो जाता है, ट्रिप का मज़ा चला जाता है। वीडियो में तो देख के आता है, ओ राइडिंग इन द रेन, राइडिंग इन द रेन, वो सब रील्स बनेगा लोफी म्यूज़िक लगा के, लेकिन जो चलाता है ना हम फील कर सकते हैं उन लोगों पे कैसा गुजरता है। इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी थिंग टू राइड इन रेन इवन इफ यू आर वेयरिंग अ रेन गियर, क्योंकि कहीं ना कहीं से सारा पानी घुसता ही घुसता है। आज सुबह धूप देख के मन में बहुत ही अभी खुशी हो रही है, क्योंकि धूप में चलाए हुए पता नहीं 3-4 दिन तो हो गया होगा। जिस दिन निकला था घर से कोलकाता से उस दिन धूप मिला था, उसके बाद तो बारिश ही बारिश मिल रहा है खाली। आज ऐसे डिस्टेंस भी कम है और हम लोग निकल भी चुके हैं, अभी जस्ट 12:30 ही बज रहा है, तो शाम तक पहुंच भी जाएंगे अराउंड 180-190 किलोमीटर जो भी है। टाइम हो रहा है 1 बजे, छोटा सा हम लोग एक स्टॉप लिए थे कुछ फ़ोटो वोटो खींचने के लिए। और 2 दिन के बाद दिन के लाइट में चलने में तो अलग ही मज़ा आ रहा है, पूरा विजिबिलिटी सही है, बारिश नहीं है, आगे तक दिख रहा है, कंफर्टेबली हम लोग राइड करते हुए जा रहे हैं। लास्ट 2 दिन तो मतलब एडवेंचर का अलग ही लेवल में चले गए थे हम लोग, खाली बारिश बारिश और पानी। अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में है चेक पोस्ट के, यहाँ पे ILP लगता है, इनर लाइन परमिट। तो यहाँ चेक पोस्ट से इनर लाइन परमिट कराते ही हम लोग जस्ट बगल में यहाँ पे जे होटल, यहाँ पे कुछ खाएंगे लंच, उसके बाद फिर यहाँ से दिरंग निकलेंगे, देखता कि मिलता क्या अंदर में। ऑलमोस्ट 3 बज रहा है, खाने का स्टॉप काफ़ी देर तक था, 1 घंटा। आगे आते ही हम लोग ने स्टॉप लिया है, बहुत ही अच्छा एक जगह है यहाँ पे, तो इसीलिए रुक गए। देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, तो फ़ोटो खींचने के लिए सब बाइक रोक दिया है। पता नहीं आप लोगों को कितना दिख रहा है, लेकिन यहाँ से देखने में सही में बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के लिए 2 दिन से बाइक चला के इतना दूर सब कुछ झेल के आए हैं, ताकि ये नज़ारे देखने को मिले। सब कोई बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब कोई, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द रोड्स। पता नहीं, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ और मुझे कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा ऑनेस्टली। अच्छा, रास्ता यहाँ पे चौड़ा करने का काम हो रहा है ऑलरेडी, मतलब ये भी जैसा रास्ते से हम लोग आ रहे थे चौड़ा रास्ता, वो भी ये भी हो जाएगा कुछ दिन बाद। ये MT वाला बंदा ना थोड़ा डरता है, मतलब वो नया बाइक चलाना सीखा है, हार्डली 1 साल हुआ है, तो उसके हिसाब से ठीक ही है, पहला बार आया है तो इसीलिए वो थोड़ा डरता है ये सब जगह से चलाने में। और ये तो प्रॉपर एकदम ऑफ रोड है, रास्ता तो बना हुआ है नहीं।
ये पूरा ऑफ रोड एक पैच है, बगल में एकदम स्टीप पहाड़ है नीचे। हाँ, ये लैंडस्लाइड टाइप का एरिया है। ओह क्या सही लग रहा है नज़ारे। पूरा बादलों से ढका हुआ है पहाड़ वहां पे बीच में। मन तो करता कि नौकरी वोकरी छोड़ के बस ऐसे ही घूमता रहूं, लेकिन पगले ये माई कौन देगा। आजकल तो नौकरी खाने पीने से ज्यादा ईएमआई के लिए करना पड़ता है। शाम के 4:20 हो चुके हैं और अभी हम लोग काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं पहाड़ में। हल्का सा ठंडा भी लग रहा है क्योंकि वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है। नीचे थोड़ा देर पहले गर्मी लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा हवा में हल्का ठंडापन महसूस हो रहा है। तो लाइनर साथ में है, अभी तक पहना नहीं है, अभी ज़रूरत भी नहीं। इनफैक्ट थोड़ा कम्फर्टेबल लग रहा है ये वेदर में चलाने में। अच्छा, यहाँ फिर से एक ऑफ रोड का पैच। यहाँ पे कुछ बन रहा है रास्ता, टनल कुछ तो बन रहा है, पता नहीं। पहाड़ों में ऑलमोस्ट हर जगह कुछ ना कुछ काम चल रहा है रास्ते। मतलब एक दो साल में शायद और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रास्ते में देखने को मिलेंगे। अभी भी रास्ता बहुत सही है, ख़राब तो बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा मैं। थोड़ा बहुत तो ये सब पैच रहेंगे ही, क्योंकि लैंडस्लाइड वाला एरिया है, तो जहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं, पत्थर वत्थर गिरते हैं जहाँ पे, तो रास्ता टूट भी जाता है ना वहाँ पे। तो उनको फिर क्लियर करते हैं, फिर से रास्ता बनाते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन इसके सिवा भी काफ़ी जगह नया नया रास्ता बन रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में हिल्स आर स्टीप। दिरंग इज 106 किलोमीटर, हम लोग को दिरंग ही जाना है, तो 100 किलोमीटर और, मतलब 2 घंटे 6:30-7 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा बहुत शाम में भी यहाँ पे शायद पहाड़ों में चलाना पड़ेगा, विच इज़ फाइन आई थिंक। रास्ता जो कंडीशन में है, ऐसा रास्ता होगा तो थोड़ा स्लो चलाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो लुक एट द व्यू, जगह ऐसा है कि हर मोड़ पे लग रहा है रुक के थोड़ा फोटोग्राफ खींच ले, थोड़ा खड़े होकर देख ले। कल तो और भी शायद अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा। पूरा बादल के बीच में से अभी आगे जाएंगे हम लोग, क्या लग रहा है देखने में। ये एकदम बादल के बीच में से हम लोग जा रहे हैं, हाथ में एकदम हल्का ठंडा ठंडा एक तो फीलिंग भी आ रहा है। कैमरा तो बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। आप लोग को तो देखने में अच्छा लगी रहा होगा, मैं जब बाद में भी देखूंगा इसको तो मुझे भी और भी अच्छा लगेगा कि कहाँ कहाँ से मैं घूम के गया हूँ, वो एक्सपीरियंस करने को दोबारा मुझे मिलेगा। ओ पूरा बादल,
क्या सही लग रहा था जाने में उसके बीच से। टाइम हो गया 5 बजे और अभी हम लोग अराउंड 95 किलोमीटर दूर है दिरंग से, तो हाँ शाम में थोड़ा बाइक तो चलाना ही पड़ेगा क्योंकि अभी 2 से 3 घंटा लगेंगे, 3 घंटा लगेंगे हमको लग रहा है पहुँचने में, तो मतलब 8 बजे ऑलमोस्ट। हर एक कॉर्नर हर एक मोड़ पे इतना अच्छा लग रहा है देखने में। पाँच साल पहले ये दिमाग में मेरा कभी भी नहीं आया था कि मुझे बाइक लेके पहाड़ों में जाना है, अपना बाइक लेके या फिर पहाड़ों में घूमने तो ऐसे काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि बाइक लेके जाना है अपना। एक्चुअली ये हुआ कहाँ से कि मेरा जो ये जो ग्रुप है ये लोग मेरे से पहले एक बार गुड़दोंगमार जा के आए थे, तो तब वो लोग ने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था तब मुझे लगा कि मैं लाइफ में कुछ देयर इज़ अ मेजर मिसिंग इन माय लाइफ इफ़ आई एम नॉट डूइंग दिस। तो मैंने बोला ठीक है, तब मेरे पास R15 था version 3, तो मैंने बोला ठीक है मैं R15 चेंज करता हूँ और मैं एक डोमिनान लेता हूँ क्योंकि मुझे भी अगली बार जाना है, हम लोग साथ में जाएंगे। YouTube में काफ़ी वीडियोस देखने को मिलता पर देखते थे, हाँ अच्छा लगता था, सोचते थे कि चलो ठीक है अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है, कैसा एक्चुअली में फील होगा ये जब तक आप खुद नहीं आओगे आपको पता नहीं चलेगा, और ये आप बोल के किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हो। तो मेरे दोस्त लोग जब घूम के आए वो लोग मुझे जब बोले तो मुझे लगा कि ये लोग सच में शायद कुछ एंजॉय करके आए जो मैं अगर नहीं करूँगा तो लाइफ में आई एम मिसिंग आउट समथिंग। तो मैंने बोला ठीक है यार एक प्लान बनाओ चलते हैं, और बस पहाड़ों पे पहुंच गए हम कुछ महीने प्लानिंग के बाद। क्या व्यू है, मतलब 200 बार शायद बोल दूंगा तो भी कम पड़ जाएगा, क्या व्यू है क्या व्यू है क्या व्यू है। क्यों लो जेटलीर बाइक बंद हो तो बाइक अभी फाइनली ठीक हुआ है, हिमालयन जो ख़राब हो गया था, ख़राब इन द सेंस जो पंक्चर हो गया था, तो छोटा सा एक पंक्चर था, ट्यूब चेंज नहीं करना पड़ा, उसी ट्यूब में काम हो गया, तो ठीक करके अभी रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग फिर से यहाँ से निकल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 7:30 बजने जा रहा है और हम लोग अभी भी ऑलमोस्ट 80-85 किलोमीटर दिरंग से दूर में है। बहुत सही लग रहा है एकदम, रात में पहाड़ों में 6 बाइक ऐसे जा रहे हैं और हम लोग ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला रहे हैं, वी आर जस्ट मेंटेनिंग अ स्टेडी स्पीड ऑफ 40-50। ऑलमोस्ट 10 बजने जा रहा है, पूरा रास्ता खाली है जैसा कि आप देख सकते हो, ऑब्वियसली 10 बजे पहाड़ों में और कौन ही रहेगा। ऐसे अंधेरे में चलाने में तो थ्रिलिंग तो लग ही रहा है, डेफिनेटली मज़ा आ रहा है एकदम, पूरा अलग ही फीलिंग है पहाड़ों में इतना रात को बाइक चलाना। विजिबिलिटी का थोड़ा तो इशू है लेकिन फिर भी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। रात के 10:30 बज चुके हैं और अभी भी हम पहाड़ों में भटक रहे हैं, अभी भी 20 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है।